मथुरा में सजने लगे हैं, बंसी भी बजने लगी है। मुखी भी सजने लगा है, जो भी कोई आने लगा है। कन्हैया मित्तल द्वारा मधुर संगीत का कार्यक्रम साथ में योगी जी का प्रचार। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाने की धूम के साथ गाजियाबाद में चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए गायक कन्हैया मित्तल। भारी जनसभा के साथ भारतीय जनता पार्टी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और गाजियाबाद शहर सीट के दावेदार अतुल गर्ग के लिए प्रचार प्रसार किया। अतुल गर्ग ने कन्हैया मित्तल को उपहार स्वरूप राम मंदिर भेंट में दिया और कन्हैया मित्तल जी का आभार प्रकट किया। कन्हैया मित्तल लोगों से अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, 10 फरवरी को हम वोट उन्हीं को देंगे जो राम को लाए हैं। ऐसी अपील उन्होंने लोगों से की। कन्हैया मित्तल ने लोगों से कहा, 10 मार्च को नतीजे जब आएंगे तब आएंगे, ये तो तय है कि आएंगे भगवाधारी। अभी तो अयोध्या ली है, मथुरा और काशी बाकी है। अब की मतदान मथुरा और काशी के नाम मधुर संगीत के साथ लोगों को सलाह देते ये भी नजर आए कि ये गाना सभी लोग अपने अपने घरों में 9 तारीख से ही चलाएं। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसके साथ हैं, सब अपने आप समझ जाएंगे, सबको अपने आप पता चल जाएगा। और जो ये भी ना कर पाए वे सब लोग 10 फरवरी को भगवा वस्त्र पहनकर आए। गाजियाबाद में कुर्ता पजामा 250 रुपए में सिलता सिलवा ले और जब वोट डालने जाए तो उसे ही पहन कर जाए। कोई आपसे पूछेगा ही नहीं कि वोट आप किसको देकर आए हो। अपनी गायकी के जरिए रामलीला मैदान गाजियाबाद में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भी नजर आए, जबकि चुनाव आयोग ने कड़े निर्देश जारी करने के बावजूद उड़ाई जा रही है। मथुरा में सजने लगे हैं, बंसी भी बजने लगी है। और चौथा अभी जोड़ रहा हूँ, यूपी भी सजने लगा है, जो की कोई आने लगा है। योगी जब आ जाएगा सोच नजारा क्या होगा। यूपी हमारा हमारा यूपी हमारा, जिसको अच्छा लगता है अपना भारत देश दोनों हाथ उठाकर, देश हमारा सोचो क्या हो।
कभी राम जी थे ही नहीं, और तो और कार सेवकों पर गोली चलवा देते थे, तो वो कैसे अंदर से राम के हो सकते हैं? सारी उम्र भगवान कृष्ण को याद, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण सपने में नहीं आते, गाजियाबाद के कीर्तन में आते, उठा के दिखाओ जरा। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के तैयारी।